वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। 19 जून 2020 करंट अफेयर्स एक्सप्रेस, आज की ताजा खबर। फिर से वो 10-12 न्यूज जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जो सबसे फास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, बहुत कंक्रीट तरीके से उसको लाया गया है। फिर से देखा जाए कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ADO अभी रिलीज हुआ है। इट इज रिलीज बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB ने इसको रिलीज किया है। वो क्या है, एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1966, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में, फिलीपींस में है। अच्छा, इसमें कौन कौन होल्ड शेयर होल्डर्स है, टॉप शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो जापान 15.6% शेयर होल्ड करता है, USA 15.6% करता है, चाइना 6.4%, इंडिया 6.3% और ऑस्ट्रिया 5.8% होल्ड करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ने अभी क्या कहा है, कहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज फोरकास्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4% इन फाइनेंशियल ईयर 2020, यानी 2020 में हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, कितना परसेंट होगा, 4% इन फाइनेंशियल ईयर 2020, व्हाइल ग्रो 5% इन 21-22, डेवलपिंग एशियाज फोरकास्ट ग्रोथ इज 0.1%, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं एशिया के, उनका 0.1% ग्रोथ दिखाया जा रहा है इन 2020, स्लोएस्ट सिंस 1961। डेवलपिंग एशिया किसको कहा जाता है, डेवलपिंग एशिया रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ 40 कंट्रीज दैट आर मेंबर ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर हैं उनको डेवलपिंग एशिया कहा जाता है, जिनको लोन्स मिलता है यहाँ से, डेवलपिंग एशिया। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार योजना। गरीब कल्याण रोजगार योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये 125 दिन का कैंपेन लॉन्च किया है। इट विल बी लॉन्च ऑन 20th जून टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल इंडिया। अब क्या है, इट इज रूरल पब्लिक वर्क्स स्कीम टू एम्पावर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू रिटर्निंग माइग्रेंट, जो माइग्रेंट लोग आए हैं, वर्कर्स लोग आए हैं, रूरल सिटीजन्स हैं, उनको 125 दिन का काम उनको दिया जाएगा अभी, ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके और उनके हाथ तक कुछ पैसा पहुंचाया जा सके। दिस कैंपेन ऑफ 125 डेज विल इन्वॉल्व इंप्लीमेंटेशन ऑफ 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स एंड क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल रीजन विद रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ 50,000 crore। फिर से एक्स्ट्रा पैसा रिलीज हुआ ये। इट विल बी अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन 12 मिनिस्ट्रीज इसमें मिलकर काम करेंगी। नेक्स्ट है नवरक्षक। ये नवरक्षक क्या है, नवरक्षक असल में हमारी नेवी ने, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, याद होगा आपको, नेवी ने रक्षक यानी PPE किट बनाया था। ये PPE किट बहुत एडवांस वर्जन है, इसको मैन्युफैक्चरिंग नोहाउ, उसके नोहाउ को रिलीज कर रहा है नेवी। मैन्युफैक्चरिंग नोहाउ ऑफ नवरक्षक PPE हैज बीन डेवलप्ड एट द इनोवेशन सेल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन INHS अश्विनी हॉस्पिटल। INHS अश्विनी हॉस्पिटल कहाँ है, मुंबई में है। तो क्या है ये, अब कुछ MSMEs को, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि इसका मास प्रोडक्शन किया जा सके। द PPE has been tested and certified at the INMS DRDO, which is one of the 9 NABL accredited labs authorized by Ministry of Textile currently in the country for PPE prototype sample testing as per the prevailing ISO। मतलब पूरा टेस्टिंग इसका किया गया, उसके जो भी टेस्टिंग के अथॉरिटीज थे उन्होंने इसको पास कर दिया है और ये मास प्रोडक्शन के लिए अब जाएगा। दीज मैन्युफैक्चरर्स पुट टुगेदर आर प्लानिंग टू मास प्रोड्यूस मोर देन 10 million PPE पर ईयर। एक साल में 10 मिलियन से ज्यादा PPE प्रोड्यूस करेंगे ये लोग, और MSME सेक्टर्स को इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि उनका भी ग्रोथ इसके साथ हो सके। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NDRC एन एंटरप्राइज ऑफ DSIR Ministry of Science has licensed the manufacturing know-how of PPE suits being named as Navrakshak to 5 MSME clients to meet the ongoing country-wide demand of quality PPE kit. अच्छा, mountain strike corps की बात हो रही है, जो ये लद्दाख में चल रहा है इंडो चाइना को लेकर के। फिर से हम लोग को याद आई वो कहानी, माउंटेन स्ट्राइक कॉप्स, एक अलग से एक कॉप होना चाहिए जो ऐसे सिचुएशन में बिना गोला बारूद के लड़ सके, फाइट कर सके, ट्रेन कर सके। पहले ये मूट आउट किया गया था 2013 में, मूट आउट किया गया था, और 2010 में भी कुछ इस तरह के कॉप्स बनाए गए थे। 2013 में पानागढ़ में इसका हेडक्वार्टर भी बनाया गया था। 17 कॉप्स ऑफ द इंडियन आर्मी को सेंक्शन किया गया था कि आपको माउंटेन स्ट्राइक के लिए ट्रेन करना है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द माउंटेन स्ट्राइक कॉप वॉज रेज्ड इन द ईस्टर्न सेक्टर, बट रेजिंग द सेकंड डिवीजन, पठानकोट में दूसरा डिवीजन रेज करने की बात हुई 17-18, वॉज नेवर कम्प्लीटेड, वो फंड के अभाव में उसको नहीं किया गया। द एम ऑफ रेजिंग द माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स इन द नॉन डिफेंसिव रोल वॉज टू क्रिएट कैपेबिलिटीज टू डिटर चाइनीज एग्रेशन बिहेवियर। इस तरह के जो वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, हाथापाई कर रहे हैं, वो हाथापाई करने वाली टीम एक बनानी थी।
ठीक है, 3488 किलोमीटर लॉन्ग साइनो इंडिया बॉर्डर है, इस पर इस तरह के कॉर्प्स को भी पोस्ट करने की जरूरत महसूस हो रही है। दिस हैज फॉलोड द रेजिंग ऑफ टू न्यू डिवीजन इन 2010 टू स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश अलॉन्ग विद एन आर्मर्ड आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री ब्रिगेड फॉर अदर सेक्टर्स ऑफ द एलएसी। एज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिमेन हाई ऑन द disputed border, a search for military option is leading to questions about the current status of the mountainous type corps sanctioned 7 years ago but stalled 2 years ago for lack of funds. यानी 7 साल पहले इसको मूट आउट किया गया था लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया था 17-18 में क्योंकि फंड नहीं अवेलेबल हो पाया था। सोचो हमारी हालत। नेक्स्ट, हाँ ये एक हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से अच्छा न्यूज है। कुदुमनाल एक्सकेवेशन, कुदुमनाल एक्सकेवेशन में पाया गया 10 पॉट्स एंड बॉल्स पाए गए। कहाँ पर? जहाँ पे पहले 3 और 4 पॉट्स एंड बॉल्स पाए जाते थे उनके जो एक बरियल सिस्टम था उस रीजन में बरियल सिस्टम पाया गया था। बरियल सिस्टम मतलब जहाँ पे ग्रेवयार्ड होता है, तो बरियल सिस्टम में 3 चेम्बर्ड बरियल बनाया जाता था, उसमें कुछ कटोरियाँ मिलती थी, 3-4 कटोरियाँ। इसमें 10 कटोरियाँ मिली हैं और बरियल का पैटर्न थोड़ा अलग है। तो ये क्या हेल्प करता है जानने में? दिस बरियल रिचुअल्स एंड द कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ, कि उनके यहाँ पहले कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ था उस मेगालिथिक कल्चर में। मेगालिथिक जहाँ पे बड़े पत्थर यूज किए जाते थे, अपने उपयोग में लाए जाते थे, उसको मेगालिथिक कल्चर बोला जाता है। तो ये बहुत ओल्ड कल्चर है, बहुत पुराना कल्चर है। तो कुदुमनाल इज अ विलेज लोकेटेड इन इरोड डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक्स ऑफ नॉयल रिवर। कहाँ पे? नॉयल रिवर के नॉर्दर्न बैंक पे है। ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी है नॉयल। नॉयल के नॉर्थ साइड में ये इरोड डिस्ट्रिक्ट के गांव है कुदुमनाल। यहाँ पर बहुत पुराना एक सिविलाइजेशन देखने को मिला है। इट वॉज वंस अ फ्लोरिशिंग एंशिएंट ट्रेड सिटी नोन एज कुदुमनम। कुदुमनम इसका नाम था पहले। जैसा कि संगम लिटरेचर के पत्तिरुपत्तु में इंस्क्राइब किया गया है। इट इज रिवील्ड दैट दिस साइट सर्व्ड एज अ ट्रेड कम इंडस्ट्रियल सेंटर फॉर 5th century BC to 1st century BC। यानी 5th century से 1st century तक यहाँ पर अच्छा ट्रेड और इंडस्ट्री डेवलप किया है। मेगालिथ इज अ ग्रेट स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन लार्ज साइज स्टोन। दे सर्व द फ्यूनरी और कल्ट पर्पस। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फाउंड मेनली इन नियोलिथिक एज। दिस प्रैक्टिस वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन साउथ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। ठीक है, तो कुदुमनाल एक्सकेवेशन को लेकर के 2-3 बातें याद रखना। कहाँ? नॉयल रिवर कावेरी की एक ट्रिब्यूटरी है और इसका संगम लिटरेचर में इसका मेंशन कहाँ है? पतिरू पत्तु में इसका मेंशन किया गया है। क्या है? यहाँ पर आफ्टर लाइफ, कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ इन द मेगालिथिक कल्चर फाउंड आउट किया गया है। ठीक, इस तरह का साउथ इंडिया में पाया जाता था। अच्छा, लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार न्यूज में है। क्यों न्यूज में भाई? अरे 285 साल में पहली बार लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा को रोका गया है। इसके पहले 1733 से 1735 तक में रोका गया था, जब मोहम्मद ताकी खान ने, जो कि डिप्टी गवर्नर थे उड़ीसा के, उन्होंने अटैक किया था मंदिर के ऊपर, तब रोका गया था। और उसके बाद से ये एक और अटैकर आए हैं कोविड-19 साहब, उनके अटैक की वजह से इसको रोका गया है। तो देखा जाए क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड एनुअल रथ यात्रा एट पुरी जगन्नाथ टेंपल इन ओडिशा इन द वेक ऑफ कोरोनावायरस पेंडेमिक। द यात्रा वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 23 जून। इसको कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? क्योंकि अगर रथ यात्रा निकलेगी तो 10 से 12 लाख लोगों को कोई नहीं रोक सकता रोड पर आने से। वो लोग आएंगे और इसमें कोविड-19 का स्प्रेड बहुत तेजी से हो सकता है, तो इसको बचाने के लिए रथ यात्रा ही कैंसिल कर दी गई है। क्योंकि रथ यात्रा का और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, इसको लोग ही खींच कर ले जाते हैं। कहा गया कि हाथी या एनिमल या ऐसे कुछ खिंचवा के इसको करा जाए, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन निकल नहीं पाया। तो रथ यात्रा मार्क्स द एनुअल सेरेमोनियल प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ क्या करते हैं? अपने एल्डर ब्रदर बालभद्र के साथ, अपने सिस्टर सुभद्रा के साथ वो जाते हैं अपने आंटी के घर। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 285 years दैट रथ यात्रा वुड नॉट बी हेल्ड। लास्ट टाइम इट वाज नॉट हेल्ड वाज बिटवीन 1733 एंड 1735 व्हेन मोहम्मद ताकी खान डिप्टी गवर्नर ऑफ ओडिशा अटैक्ड द जगन्नाथ टेंपल फोर्सिंग द शिफ्टिंग ऑफ द आइडल्स टू गंजम डिस्ट्रिक्ट। उस समय कहाँ पे? गंजम डिस्ट्रिक्ट में इसको ले जाया गया था। तो जगन्नाथ टेम्पल वॉज स्कल्प्टेड बाय अनंत वर्मन चोदगंगा। ये रूलर थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे 11th century के, जिन्होंने इसको, इस मंदिर को बनवाया था, अनंत वर्मन चोदगंगा। नेक्स्ट, लो सरकार ने एक और रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इंपोर्टेड टायर्स रेस्ट्रिक्शन लिस्ट पे आ गए। टायर का इंपोर्ट नहीं, क्यों भैया? आत्मनिर्भर बनना है हमें, अपने देश के टायर को यूज करना है हमें, अपने देश में टायर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट ऑफ टायर्स यूज्ड फॉर कार्स, बसेस, लॉरीज एंड मोटरसाइकिल्स इन अ मूव टू
curb imports and boosting domestic companies. Out of the total tire imports, 75% in value terms will now come under the categories included in the restricted list. मतलब ज्यादातर जो लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट में अगर देखा जाए तो जो भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं 75% उसके कैटेगरी लिस्ट में आ जाएगा। अगर कोई भी इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लिस्ट में किसी भी गुड्स को डाला जाता है इंपोर्ट के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको रोक दिया गया। अब उसको लाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा डीजीएफटी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से। हाँ, कल को आप आईएएस वगैरह बनते हैं या इस तरह के ऑफिसर बनते हैं तो डीजीएफटी का भी पोस्ट आपको मिल सकता है फॉर इम्पोर्ट्स। दिस इज एम्ड एट कर्विंग इम्पोर्ट्स एंड बूस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज। नेक्स्ट, एक और अच्छी न्यूज, ये बढ़िया न्यूज है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी चूज किए गए हैं। अभी इंडिया को भी चांस मिला है नॉन परमानेंट मेंबर बनने का। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी फॉर द टर्म 21-22 आफ्टर विनिंग 184 वोट्स इन 193 मेंबर जनरल असेंबली। यानी निर्विरोध चुने गए हैं हम, अलॉन्ग विद इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, इनको भी सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिली है। असल में ये 15 सदस्यीय जो परमानेंट मेंबरशिप है, जिसमें 5 सदस्य परमानेंट और 10 सदस्यीय नॉन परमानेंट मेंबरशिप है, तो 10 सदस्यों का रोटेशन बेसिस पे किया जाता है, तो इसका भी प्रोसेस हम लोग अभी समझेंगे इसको। इंडिया वॉज अ कैंडिडेट फॉर नॉन परमानेंट सीट फॉर एशिया पैसिफिक कैटेगरी। एशिया पैसिफिक कैटेगरी का इसमें कैटेगरी वाइज होता है, तो एशिया पैसिफिक कैटेगरी से इंडिया को चुना गया था, इंडिया निर्विरोध चुना गया है इस बार। This is the 8th time, ये हम लोग 8वीं बार चुने गए हैं यूनाइटेड नेशन के हाई टेबल पर। इसके पहले नॉन परमानेंट मेंबर हम लोग बने हैं, कब कब बने हैं, 50-51 में बने हैं, 67-68 में बने हैं, 72-73 में बने हैं, 77-78 में बने हैं, 84-85, 91-92, 11-12 में बने। 11-12 के बाद से हम लोग नहीं बने थे। 11-12 में भी लगभग निर्विरोध ही चुने गए थे, 187 वोट्स मिले थे हम लोग को आउट ऑफ 190 वोट्स। कजाकिस्तान पहले खड़ा हुआ था, उसके बाद उसने अपना कैंडिडेटशिप वापस ले लिया था, इंडिया आया। तो इंडियाज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द फ्रेश टेन्योर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विल बी द अचीवमेंट ऑफ नॉर्म्स न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। यानी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा रिफॉर्म या मल्टीलेटरल सिस्टम बनाने की बात जो नॉर्म्स लेकर के जा रहा है इंडिया, उसके बारे में वहां पे वो डिस्कस करेगा, उसको प्राथमिकता से रखेगा। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बनावट जरा समझ लें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंपोज करता है 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस एंड यूके, ये 5P5 जिसको कहा जाता है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो रोटेशन वाइज इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2-year टर्म, कितने दिन, 2 साल के लिए। सो एवरी ईयर द जनरल असेंबली इलेक्ट 5 मेंबर्स, 5 इस साल 5 अगले साल 5 अगले, ऐसे करके रोटेशन चलता रहता है। द नॉन परमानेंट मेंबर आउट ऑफ द टोटल 10 मेंबर्स, दीज 10 सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रीजंस ऑफ द वर्ल्ड। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 सीट तो मिली है अफ्रीका और एशिया को, जिसमें 3 अफ्रीका रखता है, 2 एशिया रखता है, लेकिन इनमें एक पेच है, वो आगे हम बताइए कैसे अरब देश को भी इसमें से दिया जाता है एक टुकड़ा। 1 सीट फॉर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, 2 फॉर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एंड कैरेबियन कंट्रीज, 2 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन को मिलाकर दिया गया, एंड 2 फॉर वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज में यूएस भी आ जाता है। तो ऑफ द 5 सीट्स फॉर अफ्रीका एंड एशिया, 3 आर फॉर अफ्रीका एंड 2 फॉर एशिया। Of the 5 seats for Africa and Asia, 3 are for Africa and 2 for Asia. Also, there is an informal, एक informal agreement है आपस में between the 2 groups for to reserve 1 seat for the Arab country. The Africa and Asia Pacific group takes turn. जैसे 2 seat एशिया का है, तो अब की बार दोनों सीट एशिया ने लिया, तो अगले साल एशिया 1 seat लेगा, 1 seat अरब को दे देगा। 3 seat सपोज अफ्रीका का है, तो अफ्रीका ने इस साल तो अपना 3 seat इंटैक्ट किया, अगले साल हो सकता है वो 1 seat रिलीज करेगा फॉर अरब कंट्रीज। अच्छा, नीरा पे पदार्थ है, ये नीरा बड़ा न्यूज में है। तो गवर्नमेंट के बहुत देसी चीजों को बड़ा बढ़ावा मिला है इस लॉकडाउन के आसपास के पीरियड में देखा जाए। अभी ये गवर्नमेंट जो स्वदेशी के उस पर जा रही है, आत्मनिर्भरता पे जा रही है, ये काबिले तारीफ है। ये धीरे धीरे परकुलेट करके नीचे तक जाएगा और बहुत फायदा देने वाले हैं हमारे आम जनता को। नीरा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाम ट्री, पाम ट्री से ये नीरा, जैसे ताड़ी ये जैसी चीज है ये, नीरा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाम ट्रीज बिफोर सनराइज, सनराइज के पहले इसको निकाला जाता है, इज ए न्यूट्रिएंट रिच हेल्थ ड्रिंक कंज्यूम्ड इन मेनी स्टेट्स। हाउएवर, ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मार्केट टेक्निक, द कमर्शियल प्रोडक्शन एंड लार्ज स्केल मार्केटिंग ऑफ नीरा हैज नॉट बीन टेकन प्लेस। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि नीरा और पाम जैगरी जो है, ये नलिन गुड जिसको आप लोग बोलते हो, और ये पाम जैगरी और ये ताड़ी, इनको इनका एक ह्यूज पोटेंशियल मार्केट है और इसमें एम्प्लॉयमेंट के बहुत बड़ा वो हो सकता है। तो दहानू पालघर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया KVIC ने,
केवीएसी कहता है कि इंडिया हैज एन अबंडेंस ऑफ पाम फील्ड्स इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, सभी जगह पर है। मतलब 10 करोड़ से ज्यादा पाम ट्रीज अक्रॉस कंट्री हैं और बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स से बनाए जा सकते हैं। कैंडीज, मिल्क चॉकलेट्स, पाम कोला, आइसक्रीम एंड ट्रेडिशनल स्वीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड और इसका एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट किया जा सकता है। लोग अपने देश के, चाइना अपने देश का कुछ कुछ बनाकर इतना ज्यादा पॉपुलरिटी गेन कर दिया है, तो हम लोग अपने इस ट्रेडिशनल चीजों को आगे बढ़ाएं। तो नीरा उनमें से एक चीज है जिसको लेकर के केवीआईसी आगे बढ़ रहा है और उसको एक मार्केट अवेलेबल कराएगा। अब एक नया बवाल आ गया, वैक्सीन बनने वाली है तो वैक्सीन नेशनलिज्म का कंसेप्ट आ गया। ये वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है भाई? वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब होता है कि कंट्रीज क्या करेंगी, मैन्युफैक्चरर, अगर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से एक टाइप कर लेंगी, वो टाइप ये कर लेंगी कि वैक्सीन बनने के पहले ये टाइप हो जाता है कि जब वैक्सीन बन जाएगा तो हमारे देश को पहले आप आपूर्ति करोगे, उसको सप्लाई करोगे और जब हमारे देश से सेटिस्फाई हो जाएगा तभी उसको कहीं आप बाहर बेच सकते हो। तो ये जो अपने नेशन को बचाने के लिए वैक्सीन, ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा लॉस पहुंचा सकता है। वैक्सीन नेशनलिज्म ऑकर्स व्हेन अ कंट्री मैनेजेस टू सिक्योर डोजेस ऑफ वैक्सीन फॉर इट्स ओन सिटीजन और इज इन बिफोर दे आर मेड अवेलेबल टू अदर कंट्रीज। दिस इज डन थ्रू प्री परचेज एग्रीमेंट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। इंडिया ने अभी क्या किया, सेरम इंस्टीट्यूट इज डेवलपिंग वन ऑफ द लीडिंग कोविड 19 वैक्सीन कैंडिडेट्स। The Serum Institute signaled that if the development of the vaccine succeeds, most of the initial batches of the vaccine will be distributed in India. At the same time, aur sare desh bhi aisa kar rahe hain. At the same time, India alongside the US and Russia chose not to join the Access to COVID-19 Tools Accelerator. ये WHO की इनिशिएटिव थी जिसको US ने भी नहीं ज्वाइन किया, इंडिया ने भी ज्वाइन नहीं किया और रशिया ने भी ज्वाइन नहीं किया। दिस वॉज अ WHO मूव टू प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग कंट्रीज इन द डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ COVID-19 वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द 2019 H1। ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ, H1N1 फ्लू जब आया था तो सम ऑफ द वेलियस्ट कंट्रीज दे हैव एंटर्ड अ प्री परचेज एग्रीमेंट विद सेवरल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब उसके साथ क्या हो रहा है कि ये एक उन्होंने बाकी लोगों को इसका एक्सेस डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से एक डिफरेंस, एक इनइक्वालिटी, एक नॉन इंक्लूसिवनेस वर्ल्ड में आएगा। तो वैक्सीन नेशनलिज्म मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ओपन टू ऑल होना चाहिए, जहां जरूरत है सब लोग मिल करके अपना पुल बना करके उसको पहुंचाए वैक्सीन को, क्योंकि ह्यूमन लाइफ कहीं भी है वो कीमती है, चाहे वो अमेरिकन लाइफ हो, चाहे वो रवांडा की लाइफ हो, चाहे वो इंडिया की लाइफ हो। अच्छा, सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन हो रहा है, सिविल सर्विसेज बोर्ड गठन करके, ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव होगी, पंजाब गवर्नमेंट ने इसके लिए हामी भी भर दी है। इसमें क्या कहा जा रहा है, पंजाब या हरियाणा गवर्नमेंट ने, इसमें कहा जा रहा है कि भैया एक सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाओ, ये जो ऑफिसर्स का ट्रांसफर करके इनके ऊपर दबाव, जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के नीचे के ऑफिसर हैं, मतलब नई नियुक्ति से लेकर के इस लेवल तक, उनका मनमाना ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट। अगर उससे मन नहीं भाया, कुछ भी गलत उनको लगा कि नहीं यार हमारे फेवर का काम नहीं कर रहा है, उनको ट्रांसफर कर देती है, तो ये गलत था। तो इसके लिए अब सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाया जाना चाहिए। सिविल सर्विसेज बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट एंड सब्सिक्वेंट जॉब प्रमोशन बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। तो इसमें क्या हो रहा है, एज पर द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड June 2, सिविल सर्विसेज बोर्ड विल बी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी विद, इसमें इसका मुखिया कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी विद पर्सनल सेक्रेटरी एंड आइदर फाइनेंशियल कमिश्नर और होम सेक्रेटरी। इतने लोग इसके मेंबर होंगे, वो लोग गाइड करेंगे कि कैसे ट्रांसफर्स किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ऑफिसर आ रहा है तो कम से कम एक जगह उसकी 2 साल तक की नियुक्ति रहेगी। अगर कहीं ऐसा कंडीशन आ गया कि उसकी नियुक्ति रहना पॉसिबल नहीं है तो पहले ये सीएसबी को जाएगा, सिविल सर्विसेज बोर्ड को जाएगा, सिविल सर्विसेज बोर्ड डिसाइड करेगा कि नहीं उसको वहां से ट्रांसफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसमें डिसीजन मेकिंग पावर चीफ मिनिस्टर के पास रहेगा, इन सीएसबी उसको रिकमेंड करेगा। द बोर्ड प्रोवाइड्स फॉर द स्टेट टू फॉलो द सेंटर्स गाइडलाइन ऑन गिविंग अ फिक्स्ड टेन्योर। ये फिक्स्ड टेन्योर की जो बात कर रहे हैं, फिक्स्ड टेन्योर एट लीस्ट 2 years फॉर कैडर ऑफिसर, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द before that, and if any if anyone recommends their transfer, then the board will examine and effect it. The final authority is the chief minister. तो ये बहुत अच्छा initiative होगा अगर civil services board इस तरह से लाया जाए तो। Supreme Court की फटकार लगी भाई, rule of law index में हमारा rank गिरा हुआ है, हमारा rank 69th position पर है, कभी 50 के पहले आया ही नहीं। हम कहते हैं हम rule of law, हमारा fundamental right है, हम क्या क्या हम बोलते रहते बकते रहते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो, इसके लिए आप काम करो, अदरवाइज
ये ठीक नहीं हो रहा है कि आप इतने साल आजाद हुए हो गया, अभी तक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भी आप अच्छे से इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो। ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या है, इसको रिलीज कौन करता है, जरा से इसके बारे में पहले जान लेते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज अ क्वांटिटेटिव असेसमेंट टूल बाय वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट WJP इसको करता है। डिजाइन टू ऑफर अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द एक्सटेंट टू विच कंट्रीज अडहेयर टू द रूल ऑफ लॉ, यानी कौन सी कंट्री कितना रूल ऑफ लॉ से अडहेयर करती है, वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, उसके आधार पर यह किया जाता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स, गवर्नमेंट के पावर के ऊपर किस तरह का कंस्ट्रेंट है, करप्शन है कि नहीं है, एब्सेंस ऑफ करप्शन, गवर्नमेंट ओपन है कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स सबको अवेलेबल है कि नहीं, ऑर्डर एंड सिक्योरिटीज किस तरह की हैं, रेगुलरिटी एनफोर्समेंट किस तरह के हैं, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपके यहाँ कैसा है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करके रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हैज आज दिस गवर्नमेंट टू ट्रीट अ रिट पटिशन, एक रिट पटिशन आया हुआ, बोला उसको देखो यार, सेटिंग अप एक्सपर्ट पैनल टू बूस्ट इंडिया प्रोस्पेक्ट इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, आप कुछ करो ताकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बढ़े। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ranked India in 69th position in its rule of law index. India has never been ranked even among top 50 in the index, but successive governments did nothing to improve the international ranking of India, said the petition. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी के लेकर के अभी एक न्यूज आई है। ये क्या है कि पावर मिनिस्ट्री ने स्टेट ओन्ड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड PGCIL को कहा है कि आप सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी बनाइए विद सेपरेट अकाउंटिंग एंड बोर्ड स्ट्रक्चर, एकदम से अलग कंपनी उसमें बनाइए। तो PGCIL इज एंगेज्ड इन पावर ट्रांसमिशन बिजनेस विद द रिस्पांसिबिलिटी प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन ऑपरेशन मेंटेनेंस और इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी सिस्टम अलग कर दिया जाए ताकि बाकी सारे काम PGCIL अच्छे से कर सके। देयरफॉर इट हैज बीन डिसाइडेड दैट PGCIL शैल इमीडिएटली सेट अप अ CTU, अ 100% ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ PGCIL विद सेपरेट अकाउंटिंग एंड बोर्ड स्ट्रक्चर which would be responsible for carrying out statutory functions as identified for CTU under the Electricity Act 2003 and also other functions assigned to CTU by Central Electricity Regulator, jisko jo jo function diya jayega wo karega. So the subsidiary would be separate from the PGCIL into a new CTU limited, a wholly owned government of India company within 6 months or till the completion of the formalities. To iske sath hi aaj ka hum log ka jo अनटच्ड एरिया था उसको भी टच करके हम लोगों ने 19 जून का करंट अफेयर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिया। हम लोग अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करने जा रहे हैं और 1 जुलाई से हम लोग इसको लाइव क्लासेस के रूप में लेकर आएंगे। और आप लोग टाइमिंग सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या टाइमिंग सबसे सुटेबल टाइमिंग होगा। हम सबका सर्वे, चाहे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट देख रहे हैं उसको, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट देख रहे हो, चाहे इस साल अपियर करने वाले कैंडिडेट देख रहे हैं, सबके लिए एक सुटेबल टाइमिंग हम लोग देख करके उसमें लाइव लेकर के आएंगे ताकि आपके अखबार का, ये बहुत छोटा कवरेज है, ये तो ये बस झलक है, इस पे हम लोग पूरा कवरेज करने जा रहे हैं अखबार का, ताकि करंट अफेयर्स का वो जो 40% पार्ट है लगभग सभी एग्जाम में टच करता है उसको हम लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी एक्सप्रेस, थैंक यू सो मच।